हे गाइस, इट्स प्रकृति हियर। गाइस, हमने अपने आसमान में लाखों हजारों अनकाउंटेबल तारे देखे होंगे, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि धरती की जो ग्रेविटेशनल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है। और ये सवाल हमारे दिमाग में कई बार आता होगा कि आखिर इतनी हाई ग्रेविटेशनल पावर के बावजूद ये तारे धरती पर नीचे ज़मीन पर क्यों नहीं गिरते। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तारे जो है वो धरती से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। वहाँ तक पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल पावर होती है वो काम नहीं करती, इसलिए वो धरती पर नहीं गिरते। और ये तो हुई ये बात कि तारे धरती पर क्यों नहीं गिरते, लेकिन कुछ तारे जो है वो धरती से भी काफ़ी बड़े हैं, तो ये चीज़ तो धरती के साथ भी होनी चाहिए। तो उन तारों में भी ग्रेविटेशनल पावर होती है और धरती उनकी तरफ क्यों नहीं खींची जाती। चलिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। पृथ्वी की तुलना में इनकी जो तारे हैं बड़े बड़े, इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी सैकड़ों गुना ज़्यादा है, लेकिन ये पृथ्वी को अपनी ओर इसलिए नहीं खींच पाते कि पृथ्वी इनसे बहुत दूर है। और दूसरा कारण ये है कि सूर्य जो है यानी कि सन, उसका भी ग्रेविटेशनल पावर काफ़ी हाई है, जो पृथ्वी को एक खास जगह पर बनाए रखता है, यानी कि खास जगह पर स्थिर रखता है। इसलिए जो तारे होते हैं वो पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच पाते और पृथ्वी तारों को अपनी ओर नहीं खींच पाती। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स।